सलमान खान के हिट फिल्म बजरंगी भाईजान को लोगों ने बाल्टी भर भर कर प्यार दिया था। ये मूवी साल 2015 में आई थी। इस मूवी की कहानी को देखने के बाद फैंस इसके दूसरे पार्ट की डिमांड करने लग गए थे और आज भी करते हैं। अब इसके डायरेक्टर कबीर खान ने चुप्पी तोड़ते हुए ये बता दिया है कि फिल्म का दूसरा पार्ट आएगा या फिर नहीं। हाल ही में YouTube चैनल कनेक्ट सिने के साथ बातचीत में कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के सिक्वल को लेकर कहा कि बजरंगी सच में एक आइकॉनिक किरदार है और वो जहां भी जाते हैं लोग उनसे अक्सर कहते हैं कि वो इस किरदार को फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अपनी बातों को जारी रखते हुए डायरेक्टर ने कहा कि बजरंगी भाईजान सिर्फ पवन कुमार चतुर्वेदी की कहानी नहीं है, ये शाहिदा मुन्नी की भी कहानी है। ऐसे में उन्हें लगता है कि उसकी कहानी अब खत्म हो गई है। अगर वो इस स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कोई दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए जबरदस्त आइडिया मिलेगा। जब कबीर खान से स्क्रिप्ट को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या कोई स्क्रिप्ट तैयार है तो जवाब है नहीं। हाँ, आइडिया हो सकता है और बजरंगी को आगे ले जाने के कई दिलचस्प तरीके हैं। ये एडवेंचरस ऑफ बजरंगी और चांद नवाब हो सकता है। इसे आगे ले जाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी स्क्रिप्ट हमारे पास कुछ नहीं है। यानी कि डायरेक्टर कबीर खान ने साफ कर दिया कि फिल्म की कहानी वैसे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इसको और भी कई आइडिया के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है, मगर उनके पास अभी कोई भी बेहतरीन आइडिया नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि फिर कबीर खान बजरंगी भाईजान के सिक्वल पर आने वाले टाइम में काम कब तक स्टार्ट करते हैं। खैर, आप बताइए, क्या आप भी यही चाहते हैं कि सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान का सिक्वल बने? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।